सुगाज देखो, मुझे पता है जब से हमारे फ्री फायर गेम के अंदर OB44 का अपडेट आया है ना, तब से ना ही आपके वन टैप हेडशॉट लग पा रहे हैं, ना ही आपके ड्रैग हेडशॉट लग पा रहे हैं। सुगाज से इसलिए हो रहा है बिकॉज OB44 अपडेट आने के बाद जो हमारे गेम की हेडशॉट की सेंसिटिविटी होती है ना, वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। पहले आप अपनी सेंसिटिविटी को 100 तक बढ़ा सकते थे, बट गाइस OB44 के बाद अब आप अपनी सेंसिटिविटी को 200 तक बढ़ा सकते हो। इसलिए अब आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग सेंसिटिविटी को चेंज करना पड़ेगा, तभी आपके वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आफ्टर OB44 अपडेट बेस्ट ऑटो हेडशॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग बताने वाला हूँ। ये वाली सेटिंग गाइस हर एक डिवाइस में अच्छे से वर्क कर जाएगी, चाहे एक बार लो एंड डिवाइस से ही, चाहे एक बार हाई एंड डिवाइस से ही, मैं सभी के लिए बेस्ट हेडशॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग बता दूंगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक वॉच करते हो एंड मैं जैसे बताता हूँ अगर वैसी सेटिंग अपने फोन में रख लेते हो, तो आपके भी गाइस 100% ड्रैग हेडशॉट एंड वन टैप हेडशॉट पढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस जल्दी से इस बात के लिए वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो, जैसे आप अपने गेम को ओपन करके सेंसिटिविटी की सेटिंग में आ जाते हो, तो यहाँ पर आपको बहुत तरीके की सेंसिटिविटी की सेटिंग देखने को मिल जाती है, जैसे जनरल रेड डॉट, 2x स्कोप, 4x स्कोप, स्नाइपर स्कोप एंड फ्री लुक। अब देखो, यहाँ पर आप जितने भी सेंसिटिविटी देख रहे हो, हर एक सेंसिटिविटी का अपना अलग अलग काम होता है एंड आपको हर एक सेंसिटिविटी की वैल्यू को अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग अलग अलग रखना पड़ेगा, तभी आपके वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लग पाएंगे। तो मैं सभी डिवाइस के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ, बस आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्री लुक सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। सो गाइस, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम का, तो आपको फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी को आफ्टर OB44 अपडेट आपको 60 रखना है। ये एकदम बेस्ट होता है लो एंड डिवाइस के लिए। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आपको फ्री लुक वाली सेंसिटिविटी को हमेशा आपको 50 रखना है। यानी आपको फ्री लुक सेंसिटिविटी को 50 कर देना है। ये एकदम बेस्ट होता है हाई एंड डिवाइस के लिए। इसको हम बात कर लेते हैं स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। सो गाइस, ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग बेसिकली तब वर्क करती है जब आप किसी स्नाइपर स्कोप को इनेबल करके किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो। सो गाइस, अगर आपका कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1 से लेकर 4GB रैम तक का, तो आपको स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वाली सेटिंग को हमेशा आपको 50 रख देना है। बट गाइस, अगर आपका कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आपको ये जो स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी वाली सेटिंग को हमेशा आपको 40 रख देना है। यानी आपको 40 कर देना है। ये हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 4x स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। सो गाइस, ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग बेसिकली तब वर्क करती है जब आप किसी लॉन्ग रेंज के गन में 4x का स्कोप लगा के किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो। सो गाइस, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम का, तो आपको ये जो 4x स्कोप सेंसिटिविटी वाली सेटिंग को 130 यानी आपको 130 रख देना है। ये लो एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट होता है। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आपको इस 4x स्कोप सेंसिटिविटी वाली सेटिंग को 125 यानी आपको 125 रख देना है। इसको अगर हम बात कर लेते हैं 2x स्कोप सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में। सो गाइस, ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग बेसिकली तब वर्क करती है जब आप किसी लॉन्ग रेंज के गन में 2x का स्कोप लगा के किसी एनिमी के ऊपर फायर करते हो। सो गाइस, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको 2x स्कोप सेंसिटिविटी वाली सेटिंग को 135 आपको कर देना है, यानी 135 आपको रख देना है। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आपको इस 2x स्कोप सेंसिटिविटी वाली सेटिंग को हमेशा 125 यानी आपको 125 रख देना है। ये हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट होता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेड डॉट सेंसिटिविटी के बारे में। सो गाइस, ये वाली सेंसिटिविटी की सेटिंग बेसिकली तब वर्क करती है जब आप किसी लॉन्ग रेंज के गन में कोई भी स्कोप नहीं लगाते हो। जब छोटा वाला डिफॉल्ट स्कोप आता है ना, तो वहाँ पर आपकी रेड डॉट सेंसिटिविटी की सेटिंग वर्क करती है। सो गाइस, अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1GB रैम, 2GB रैम, 3GB रैम या फिर 4GB रैम, तो आपको इस रेड डॉट सेंसिटिविटी वाली सेटिंग को 125 रख देना है। ये लो एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट होती है। बट गाइस, अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6GB रैम, 8GB रैम, 12GB रैम या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आपको इस रेड डॉट सेंसिटिविटी वाली सेटिंग को
हमेशा आपको 110 यानी 110 आपको रख देना है। ये हाई एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट होती है। इसको हम बात कर लेते हैं बहुत ही मेन सेंसिटिविटी के बारे में, जो है जनरल सेंसिटिविटी। सुगा सिवाली सेंसिटिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है आपके हेडशॉट मारने के लिए। तो इसको ध्यान से समझ लो कि आपको इस वाली वैल्यू को कितना रखना है। सुगा से सबसे हम बात कर लेते हैं लो एंड डिवाइस वालों के बारे में। सुगा से अगर आपके पास कोई भी लो एंड डिवाइस है ना, लाइक 1 GB रैम, 2 GB रैम, 3 GB रैम या फिर 4 GB रैम का, तो आपको जनरल सेंसिटिविटी को उसमें आपको 150 यानी आपको 150 रख देना है। 150 लो एंड डिवाइस के लिए एकदम बेस्ट होती है। बट गाइस अगर आपके पास कोई भी हाई एंड डिवाइस है ना, लाइक 6 GB रैम, 8 GB रैम, 12 GB रैम या फिर उससे भी ज़्यादा, तो आपको इस जनरल सेंसिटिविटी वाली वैल्यू को हमेशा उसमें 130 यानी आपको 130 कर देना है। सो बस गाइस यही थी वीडियो, मैंने आपको सारी सेंसिटिविटी बता दी। सभी सेंसिटिविटी को ध्यान से समझ लो एंड अपने डिवाइस में अप्लाई कर लेना एंड आपके भी 100% वन टैप एंड ड्रैग हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस गाइस ये इस वीडियो में, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।